अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए। चलिए दोस्तों मेरे गांव चलते हैं जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हम लोग अपने गांव के करीब पहुंच गए हैं दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में स्थित है और हम लोग जस्ट अभी बॉर्डर में हैं। ये जो शंख नदी है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा की बॉर्डर है और इधर पास में ही हमारा गांव है। वो जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है उसी पहाड़ के नीचे हमारा गांव है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, यहां से निकलते हैं और यहां पर वेद काफ़ी एक्साइटेड है गांव जाने के लिए। ये गांव जाके धान मिसना चाहता है। देखिए दोस्तों यही मेरा घर है और यही मेरा गांव है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, आपको मैं चारों तरफ से व्यू दिखा रहा हूँ। इधर धान के पुआल में मस्ती करते हुए गांव के बच्चे। आप लोगों को अपने गांव का घर दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए हम लोग घर का आंगन, अरे हम लोगों का गांव का किचन है जिसमें अभी खाना बन रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गांव में मिक्सी नहीं होता है तो यहाँ पर इस तरह के पत्थर के सिलोट में मसाला वगैरह का पिसाई होता है कि माँ पीस रही है। सावन का लकड़ी है ये, इसलिए गांव का खाना टेस्टी लगता है दोस्तों कि यहाँ पर लकड़ी चूल्हा से खाना बनाया जाता है। ये देखिए हमारा गांव का चूल्हा कुछ इस तरह से है और यहाँ पर खाना बन रहा है। अभी पीछे में जंगल है, इधर से थोड़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए बच्चे जो लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं ये जंगल से लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का कुआं है, गांव वाला कुआं, और इसी के बगल में कुछ कुछ लगाया हुआ है। ये शायद लहसुन है, लहसुन सरसों वगैरह लगाया हुआ है जो कि कुआं के बगल में। ये घर के पीछे का छोटा सा बगान है। ये देखिए कुआं बहुत मीठा होता है। ये जो खेत से धान लाया हुआ है उसको इस तरह खलिहान में बिछाया जा रहा है ताकि इसको मिसा जाएगा, बैल द्वारा यहाँ पर मिसा जाता है और फिर इस धान से पुआल को अलग किया जाता है। ये धान मिसने की तैयारी करते हुए इस तरह भैंसों से भी मिसा जाता है दोस्त, देख सकते हैं। देखिए वेद धान मिसते हुए, ये भी मेरे साथ गांव आया है यही काम के लिए, ये भी धान मिस रहा है। भाग रे बाबू। तो धान मिस का कैसा लगा तुमको? थोड़ा थोड़ा। देखा किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, तुम लोग खाना खाते हैं, है ना? आज महसूस हुआ ना? ठीक है। धान मिसने से पहले इस तरह की गोबर से पुताई लिपाई की जाती है दोस्तों ताकि खलियान साफ रहे और धान में मिट्टी बालू वगैरह ना पड़े। हाँ बढ़िया है। धान मिसाई कंप्लीट हो गया, अभी धान को साफ किया जा रहा है। ऐसे तो नेचुरली हवा से किया जाता है लेकिन हवा नहीं चलता है तो फिर इस तरह के पंखे का प्रयोग किया जाता है और हवा बनाया जाता है और धान इससे अच्छी तरह साफ हो जाती है।
कौन धान है? ललाट हाइब्रिड हो, हाइब्रिड में धान अब लगभग पूरा साफ हो चुका है। अभी इसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सज्जेदार होते हैं, हमारे खेत में काम करते हैं, जितना हमारा होता है उतना उनका भी होता है। अभी जितना भी धान हुआ है इसको दो जगह डिवाइड करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हैं। धान नापने के दौरान कहीं गलती ना हो जाए, गिनती कहीं भूल ना जाए, उसके लिए धान का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख लिया जाता है। जितना बार नापा जाता है उतना बार थोड़ा सा रख लिया जाता है, ताकि गिनती गलती ना हो और सही तरह से दोनों तरफ बराबर मात्रा में बांटा जा सके। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं दोस्तों, वहां भी हम लोगों का धान मिसाई हुआ है और उसे बंटवाना है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और देखिए, ये हमारे घर के पीछे का जंगल कुछ इस तरह से है। हमारा गाँव जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का स्कूल है, जो कि हम लोगों के ज़मीन पे ही बना हुआ है, और देखिए पहाड़ के नीचे में स्थित है। और यहीं पर रामनवमी का मेला भी लगता है, एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पर दोस्तों, लोग देख सकते हैं। हमारे गांव वाले यहीं पे पूजा करते हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं इस स्कूल में। ये हमारा गाँव झारखंड में पड़ता है दोस्तों, और इधर जो हमारा खेत दिख रहा है, खेत भी झारखंड में ही है, लेकिन खेत पार करेंगे तो इस साइड जो खेत से आगे का साइड है वो छत्तीसगढ़ में आता है, और यहाँ से जशपुर ज़िला की शुरुआत होती है। ये पहाड़ के नीचे जितना भी खेत है इसी में हम लोगों को धान का खेती होता है, क्योंकि आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोगों की धान मिसाई हुई है और इसे हम लोग अभी बंटवाने के लाए हुए हैं। ये मेरे गांव की हसीन वादियाँ दोस्तों, चूँकि ये जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और हमारे घर के पीछे के दरवाजे से ही जंगल शुरू हो जाती है, इस तरह का दृश्य ये देखिए दोस्तों। ये बगान हम लोगों का है और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे किस्म के आम लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी मीठे और रसदार होते हैं। और आलू का खेत है, काफ़ी सारे आलू लगे हुए हैं, क्योंकि अब लगभग तैयार अभी पूरा नहीं हुआ है, लगभग एक महीना में और पूरा तैयार हो जाएगा, फिर ये खाने योग्य हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं, पूरा में आलू लगा हुआ है। बस रोड के किनारे है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये रोड से आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिमडेगा और रामरेखा धाम भी यही रोड जाता है। हमारे वीडियोज़ को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।